नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल फिल्मी दलान में। आज के हमारे इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं सुपरहिट फिल्म सौदागर के वासुकी। जी हां, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं इलू इलू वाले विवेक मुशरान की। अपनी पहली फिल्म से ही तहलका मचा देने वाले विवेक के करियर का बहुत दमदार तरीके से आगाज हुआ, लेकिन आगे जाके एक दौर ऐसा भी आया जब उनको काम मिलना बंद हो गया और विवेक ने फिल्मों से दूरी बना ली। आगे बताएंगे कैसे वो बॉलीवुड की गंदी राजनीति का शिकार हो गए और एक दिग्गज एक्टर की वजह से कैसे उनका पूरा करियर ही चौपट हो गया। बताने के विवेक के बारे में सब कुछ विस्तार से, लेकिन शुरुआत करते हैं उनके फिल्मी सफर से। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती रही। विवेक मुशरान का जन्म 9 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हुआ था। इनका बचपन और शुरुआती पढ़ाई इसी शहर से हुई और आगे की नैनीताल के शेरवुड स्कूल से। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो मुंबई आ गए। बचपन से एक्टिंग के शौकीन विवेक सिनेमा जगत में बहुत ही जल्दी एक्टिव हो गए थे। विवेक ने अपना डेब्यू मात्र 21 साल की एज में मशहूर निर्माता निर्देशक सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर फिल्म सौदागर से किया था। साल 1991 में रिलीज हुई इस मल्टी स्टारर फिल्म में सिनेमा जगत के दो दिग्गज राजकुमार और दिलीप कुमार भी थे। वहीं इस फिल्म में विवेक और मनीषा कोइराला लीड रोल में थे। वैसे तो इस फिल्म के सारे गाने लाजवाब थे, लेकिन एक गाना इतना सुपरहिट हुआ कि आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। यहाँ तक कि विवेक को गाने के बोल इलू इलू के नाम से ही जाना जाने लगा था। फिल्म सौदागर से विवेक मुशरान की किस्मत खुल गई और वो इस दौर के सबसे प्रॉमिसिंग एक्टर की कतार में शामिल हो गए। उन्हें इसके बाद कई फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए। सौदागर के बाद विवेक की कोई भी फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी और धीरे धीरे वो फ्लॉप कैटेगरी में शामिल हो गए। लगातार फिल्में फ्लॉप होने के कारण वो आखिरकार बड़े पर्दे से ही दूर हो गए और कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिया। विवेक मुशरान ने दोबारा साल 2000 में फिल्म अनजाने से कमबैक किया, लेकिन ये भी फिल्म असफल रही। इसके बाद उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया और इसके साथ साथ सिनेमा में भी सक्रिय रहे। उन्होंने फिल्मों में साइड रोल भी करने शुरू कर दिए और आने वाले कई यादगार साइड रोल वाले किरदार में दिखे, जिसमें तमाशा, पिंक, वीरे दी वेडिंग और बेगम जान प्रमुख फिल्में मानी जाती है। विवेक की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इसमें फर्स्ट लव लेटर, जान, सनम, बेवफा से वफा, राम जाने, सातवां आसमान, इंसानियत के देवता, दिल है बेताब, छोटा सा घर और प्रेम दीवाने शामिल है। विवेक की टीवी करियर की बात करें तो वो काफी फेमस है। वह छोटा सा घर, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए, बात हमारी पक्की है, सोनपरी, भास्कर भारती, परवरिश, ससुराल, गेंदा फूल, एक आस्था ऐसी भी, निशा और उसके कजन, कहानी घर घर की जैसे बढ़िया टीवी सीरियल में नजर आ चुके हैं। विवेक टीवी की दुनिया में सबके फेवरेट ससुर और पापा बन चुके हैं। इनके काम को इतना पसंद किया जाता है कि उन्हें सीरियल भास्कर भारती में कॉमिक रोल के लिए इंडियन टेली अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। विवेक काफी वर्सटाइल हैं और गाना गाने का भी शौक रखते हैं। उन्होंने अपना एक म्यूजिक एल्बम कहीं खो गया के नाम से भी रिलीज किया है। विवेक मुशरान वेब सीरीज में भी काफी एक्टिव है। वो नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड, मर्जी, द हार्ट ब्रेक होटल और बैंड जैसी वेब सीरीज में अपने काम का लोहा मनवा चुके हैं। आज के समय में विवेक फिल्मों या ओटीटी से ज्यादा टीवी में एक्टिव हैं। क्या मिले जाने जा। विवेक की मनमोहक मुस्कान और मासूम आंखें बहुत कुछ कहती थी। विवेक की जोड़ी को उनकी डेब्यू हीरोइन मनीषा कोइराला के साथ काफी पसंद किया गया।
लेकिन लगातार फ्लॉप होती फिल्मों की वजह से विवेक को अच्छे रोल आने कम हो गए। विवेक के मुताबिक उनके फिल्मी करियर का ना चलना उनके बारे में लोगों का परसेप्शन रहा। उनके मुताबिक दर्शक उनको सौदागर की इलू इलू वाली इमेज से आगे देख ही नहीं पाए और उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल सही नहीं किया गया। एक्टर के तौर पर उन्हें अच्छे मौके तो दिए ही नहीं गए। हालांकि उन्होंने कुछ किरदारों से अपनी इमेज बदलने की भी कोशिश की, लेकिन दर्शक ने इसे नहीं स्वीकारा। उनके मुताबिक इंडस्ट्री अपने परसेप्शन पर काम करती है और इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये तो रही विवेक की करियर की बात। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विवेक और अक्षय कुमार से जुड़े विवाद की, जिसके बाद माना जाता है इसकी वजह से विवेक के करियर को काफी नुकसान हुआ। अक्षय की वजह से भी विवेक को काम मिलने में दिक्कत शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि विवेक को कई फिल्मों में अक्षय से रिप्लेस किया गया था। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब साल 1991 में विवेक मुशरान और अक्षय कुमार ने सिनेमा जगत में एंट्री किया था। जहां सौदागर 9 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, वहीं अक्षय की सौगंध 25 जनवरी को रिलीज हुई थी। उस दौर के फेमस डायरेक्टर हरीश शाह ने अपनी बायोग्राफी ट्रस्ट विद फिल्म्स में दोनों के कोल्ड वॉर के बारे में विस्तार से बताया है। किताब के मुताबिक उन्होंने विवेक मुशरान को लीड रोल और अक्षय कुमार को पैरेलल लीड के तौर पर अपनी फिल्म के लिए साइन किया था, लेकिन क्योंकि अक्षय की फिल्म विवेक से पहले रिलीज हो चुकी थी, इसलिए वो अपने आप को सीनियर मानते थे। अक्षय ने निर्माता से कहा कि वो विवेक से पहले उनका नाम क्रेडिट में दें, लेकिन ये बात विवेक को मंजूर नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ निर्माता भी इस बात के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि विवेक की फिल्म सौदागर उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इस वजह से दोनों के बीच अनबन हो गई और अक्षय ने फिल्म साइन करने से मना कर दिया। हरीश ने आगे लिखा है कि उन्होंने अक्षय को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और अपनी जिद पर कायम रहे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि क्रेडिट को मुद्दा ना बनाए, लेकिन अक्षय कुमार नहीं माने और उन्होंने फिल्म छोड़ दी। हरीश शाह ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में लिखा है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और उनकी वाइफ के रोल में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को साइन किया था, लेकिन महज क्रेडिट के लिए अक्षय कुमार से बात बिगड़ गई। इसके बाद इस फिल्म में अक्षय के रोल के लिए शाहरुख और सलमान खान से भी बात की गई, जिस वजह से इस फिल्म को आखिर में ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। इसी के बाद अक्षय और विवेक दोनों में कोल्ड वॉर चलने लगा। विवेक मुशरान ने इसके बाद कई फिल्में की, लेकिन उन्हें वैसा स्टारडम नहीं मिल पाया जैसा सौदागर में मिला था, और धीरे धीरे उनका स्टारडम कम होता चला गया। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे अक्षय का करियर रफ्तार पकड़ता चला गया और विवेक अक्षय से पिछड़ते चले गए। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विवेक मुशरान के निजी जीवन के बारे में। अगर उनकी अफेयर की बात करें तो विवेक का नाम मनीषा कोइराला के साथ काफी चर्चा में रहा, लेकिन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह सका और जल्दी ही दोनों का ब्रेक अप हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी दोस्त वृंदा से शादी कर ली और अपने मैरिड लाइफ में बिजी हो गए। विवेक आज के दौर में भी खासे एक्टिव हैं और सिनेमा से ज्यादा टीवी पर धमाल मचा रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी विवेक मुशरान उन कम एक्टरों की लिस्ट में है जिन्होंने सिनेमा के साथ टीवी और वेब सीरीज में भी काम किया है और साथ साथ अपना एक म्यूजिक एल्बम भी निकाला है। भले विवेक का फिल्मी करियर बहुत ना चला हो, लेकिन उनके फैंस फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। आज के हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। आशा करते हैं आने वाले समय में भी विवेक ऐसी ही लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे, और आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो अब जरूर कर लेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।